जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। दिव्यांग कर्मियों को चारों वर्गों में पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। 15,000 कर्मियों के लिए मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। प्रदेश ने दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला लिया है। दिव्यांग कर्मचारियों के ग्रुप डी, ए, बी और डी और में आरक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कौशल ने आदेश जारी किए। इस फैसले से अलग अलग विभागों में कार्यरत करीब 15,000 दिव्यांग कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 जो 19 अप्रैल 2017 को लागू किया था, इससे पहले पदोन्नत में 3% आरक्षण का प्रावधान था, जिसे अब आगे 4% आरक्षण कर दिया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता विभिन्न श्रेणियों में अंधेपन, बहरापन और लोकोमोटर विकलांगता और मानसिक विकलांगता शामिल है। निर्देशानुसार आरक्षण उन दिव्यांग पर लागू किया होगा जिनकी विकलांगता अधिनियम के तहत आने वाली श्रेणियों में 40% या उससे अधिक आरक्षण 100 प्लाइंट रजिस्टर के अनुसार लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहे आपसे भी लोग हमारे साथ हमारे वीडियो को अंत तक देखें।